शॉर्ट फिल्म को लेकर। तो इब्राहिम जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट लेके आए थे तो मुझे बहुत अच्छी लगती, इनफैक्ट उन्होंने 2-3 स्क्रिप्ट साथ में बोली थी, तो ये वाली मुझे सबसे अच्छी लगती, पहले हम यही करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कहने में बहुत अच्छा सोशल मैसेज था और मुझे बहुत ही मतलब लगन से मैंने किया। बिना सोए अगर मैं व्लॉग जब BTS डालूंगी इसका, तो लिटरली दिख रहा है कि मैं सो गई हूँ सुबह के 8 बजे। रात के 3 बजे हम दिन का शूट कर रहे हैं और सुबह को हम रात का शूट करें, मतलब क्योंकि 24 घंटे में कंप्लीट करना था। तो बहुत ही एक्साइटमेंट था, सब चीज़ था, बहुत ही मेहनत हम सभी ने की है, सारी टीम ने। तो आई होप लोगों को भी इतना प्रॉमिसिंग लगा हो और इतना सारा प्यार लोगों ने दिया ही ऑलरेडी। और इसमें एक लाइन है, कब होगी बेटी आज़ाद एक माँ की, सो उसके बारे में जानना चाहूँगी या फरियाद। कब होगी बेटी आज़ाद एक माँ की फरियाद, तो अगर आप शॉर्ट फिल्म में देखो लास्ट में मैंने एक लाइन बोली है कि अगर कड़े कदम नहीं लिए जाए तो ऐसा हो सकता है कि माँ अपने कोप में लड़कियों के पैदा होते ही उनका गला घोट देंगी, क्योंकि लड़कियाँ सेफ नहीं सोचेंगी यार मेरी, मैं भी वही परेशानी में थी, मुझे पता नहीं मेरे पेट में लड़का है कि लड़की है, बट मैं ये डर से थी अगर लड़की हुई तो इतना रेप वगैरह सब अगर कुछ होता है। तो बस ये फरियाद है कि कब होगी बेटियाँ, ये सब कब स्टॉप होगा, कब कम होगा, तो वो फरियाद हमारी गवर्नमेंट से है। कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए ये प्रेग्नेंट का, जिस तरह से आपने किरदार निभाया, कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहा? मैं ऑब्वियसली मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि प्रेग्नेंट होना, जो प्रेग्नेंट है असली में वही जान सकते हैं, मुझे नहीं पता था। तो आरुष की भाभी है लाडो भाभी, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड सिंगर, हमने वही सोचा था कि वो सिंग करेंगे इसमें, बट शी इज़ 9 मंथ प्रेग्नेंट, तो वो उतना स्ट्रेच नहीं कर पाते। तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि उनको कैसा फील होता है, कभी कभार तकलीफ होती है, दर्द होता है, सांस फूलने लगती है, ज़्यादा चलती हैं, तो वैसा कुछ। तो उनसे मैंने थोड़ा इंस्पिरेशन लेके मैंने ये रोल प्ले किया। सो ये इसका नाम है फरियाद, ये फरियाद किससे किया जा रहा है या क्या कुछ आप फरियाद करना चाहेंगे? फरियाद गवर्नमेंट से है कि अगर कोई दोषी ठहराया जाता है प्रॉपर तहकीकात के साथ कि हाँ उसने ही किया है, वो दोषी है, तो 10 दिन के अंदर उसको सज़ा दे देनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में। जानना चाहूंगी और आपसे कि किस तरह से शूटिंग का ये माहौल रहता था, क्या कुछ और करना पड़ता था शूट के दौरान? शूटिंग तो लोगों की दिन जाती है, महीनों जाते हैं, बट ये हमने 24 घंटे में शूट किया है बिना सोए, तो एक ही दिन में हमारा शूट हो गया था। बट हमने सोचा नेक्स्ट टाइम हम जब भी करेंगे, बट एक दिन में भी बहुत अच्छे से हो गया था, बट नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे तरीके से करेंगे, वील टेक सम मोर डेज, बिकॉज इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, सोचते ये भी करना है, वो भी काम करना है, सब काम करना है। तो इतना चैलेंजिंग तो नहीं था, बट हमने कर लिया था। नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जब नींद आती है तो कुछ होता नहीं है, बट हमने कोशिश किया करने का, पूरी टीम ने बिना सोए किया। आपको बहुत सारे फ्रेंड्स भी आए हैं सपोर्ट करने, क्या किस तरह की फीलिंग होती है जब इतने सारे फ्रेंड्स आते हैं साथ? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं दिल से चाहती हूँ कि हर कोई, मतलब हर किसी का अगर कुछ भी होता है ना, मैं चाहती हूँ, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है अंदर से, मतलब दूसरों की खुशी में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हर कोई मेहनत करके इतना आगे बढ़ा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑल्सो सब लोग आए हैं और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लग रहा है कि सबको इतना इंतज़ार भी करना पड़ा है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के वजह से, बट बस मैं ऊपर वाले में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, उनको जैसा अच्छा लगे वैसा अच्छा लगे। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट और क्या कुछ आने वाला है इसके बाद? और नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमने सोचा है वो एक थ्रिलर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो जैसा इब्राहिम कमल जी दानिश और जो राइटर है उनके हिसाब से, बिकॉज मैं टोटली हर डिसीजन मैं नहीं करती कि नहीं ऐसा करना है, सबकी हम राय लेते हैं, पूरा एक टीम वर्क होता है, जैसा अच्छा लगता है हम लोग वैसा करते हैं, तो देखेंगे कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। सो अभी क्रिसमस आने वाली है, न्यू ईयर भी आने वाली है, किस तरह से आप सेलिब्रेट करने वाली है? क्रिसमस के लिए ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब पे एक ब्लॉग डाला, वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग, मैंने छोटी सी बालकनी को पूरा क्रिसमस का लुक दिया, नॉट क्रिसमस का लुक, नॉट ओनली क्रिसमस ट्री, बट एक फायर प्लेस भी जो होता है, और एक पूरा सिटी बनाया जहाँ जीसस बॉर्न हुए थे प्रॉपर, बहुत अच्छे से किया, सेंटा क्लॉज भी एक नकली, वो सब हमने खुद किया, ऐसा नहीं कि कोई डेकोरेटर को बुला के किया, वो सब हमने खुद किया, उसका व्लॉग बनाया, वो भी हमने रातों रात किया था, हमारे सारे काम रातों रात ही होते हैं, तो बस बहुत मजा आया था क्रिसमस के लिए, हमने वो किया है, एंड आई विश एवरीबॉडी मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके, सो सैंटा से हम लोग विश मांगते हैं, ऐसा मतलब माना जाता है कि सैंटा हमारी विश पूरी करती है, सो क्या कुछ इस बार आप खास मांगने वाली हैं? मुझे नहीं पता ये चीज़ सच है कि नहीं, सैंटा गिफ्ट देते इतना तो सुना था, आई डोंट नो ये कितना सच है या मिथ है, बट मुझे कुछ मांगना होता है तो मैं डायरेक्टली ऊपर वाले से मांग लेती हूँ, और मैं ये नहीं जिद नहीं करती कि मुझे दो, वैसे ऊपर वाला चाहता है हमारे बच्चे मुझसे मांगो तुम, मैं सोचती हूँ मुझे चाहिए ये चीज़, बट अगर आपको लगता है मेरे हक में ये चीज़ सही है तो मुझे ज़रूर देना। एंड लास्टली शॉर्ट फिल्म को लेकर क्या कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहिए? फिल्म देख के तो सबको मैसेज पता ही चल गया कि हमारा मैसेज क्या है, और बिना कुछ ज़्यादा बोले ही हम लोग ने क्लियर रखा है कि वीडियो में क्या है, फिल्म में क्या है, तो आई होप लोगों को ये चीज़ पसंद आई और लोग बहुत सारा प्यार दें, और हम ऐसे ही और शॉर्ट फिल्म्स बनाते रहेंगे।